ईस्टर हॉलीडेज जो है स्टार्ट हो गया है, और सौभाग्य से क्या हुआ है कि वेदर भी जो है एकदम बढ़िया वाला हो गया है। 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड आज, तो सोचे कि निकल जाते हैं। तो ऐसे ही रोड ट्रिप पे निकल गए, ज्यादा लॉन्ग ड्राइव नहीं है, 40-50 किलोमीटर का लॉन्ग ड्राइव होगा आज का। बट यहाँ का जो सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, लेक मोशा कहते हैं उसे, तो आज जो है उसी की तरफ जो है हमने रुख बदला। बट बने रहिए और तरे रहिए हमारे साथ, क्योंकि लेक मोशा के तट पर बैठकर एक कप ऑफ कॉफी तो बनता है, तो वही करेंगे। कॉफी पैक कर चुके हैं और लेक मोशा की तरफ बढ़ चुके हैं, बस कॉफी पीने की देर है। तो बने रहिए और तरे रहिए इंडियन ट्रैवलर के साथ। सो डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं लेक मोशा के, बहुत ही बेहतरीन वेदर जैसे आप देख भी रहे हैं, और अभी आगे देखेंगे भी। वॉक करके जो है हम लोग लेक मोशा के पास जा रहे हैं। तो लेक मोशा के बारे में कहा जाता है कि ये जो है नॉर्वे का सबसे लंबा लेक है, सबसे बड़ा लेक है, इससे बड़ा लेक नॉर्वे में नहीं है, और बहुत ही खूबसूरत है। और ये लेक अगर आपको देखना है तो आप ऑस्लो से लिल्लेहमर की तरफ चलिए, आपको ये लेक आपके साइड में मिलेगा, और समुंदर जैसा लेक है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा 2 सेकंड में कि कितना खूबसूरत लेक है। तो ये है लेक मोशा, बहुत ही विस्तार है, और ऐसा लगता है कि कोई समुंदर जैसा है, इतना बड़ा है। इसके और थोड़े करीब चलते हैं हम लोग, और ये पत्थर वाला जो चीज है मुंबई का बैंडस्टैंड का याद दिला देता है मेरे को। बहुत ही खूबसूरत नजारा, और इस नज़ारे को देखने के लिए मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहा था, और काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मुझे याद है काफ़ी साल पहले जो मैं इस तरफ आया था और लेक मेरे साइड में चल रहा था जब ट्रेन से जा रहा था, तो मुझे लगा कि कैसे जो है इसको हम विजिट कर पाएंगे। आज जो है मौका लग गया, बहुत ही खूबसूरत। तो आप दृश्य का मजा लीजिए, तो मैं एकदम आपको करीब ले जाता हूँ लेक मोशा के। ज्यादा लोग यहाँ पे आते नहीं है इस वक्त, और समर के टाइम पे ग्रिल करने के लिए, ग्रिलिंग एरिया के लिए बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे आप अपने फैमिलीज के साथ आ सकते हैं। तो देखिए एकदम करीब से लेक मोशा को, पत्थर जो है पानी के अंदर चला गया है, पानी ऊपर आ गया है, और ये है लेडीज एंड जेंटलमैन लेक मोशा फॉर यू फ्रॉम नॉर्वे। दिस फॉल्स व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑस्लो टुवर्ड्स लिल्लेहमर, आपको ये लेक दिखेगा। मैं इंडियन ट्रैवलर फिर से आपके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन जगह से जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज ईस्टर ब्रेक स्टार्ट हुआ है और मैं जो है लेक exploring Norway and having a cup of coffee, going to be very specific, roasted coffee, right in front of Lake Mosha. So that was the plan. Enjoy and happy Easter. ঘোড়া কপ্প করে নিতে বসা বসতে চেষ্টা গান লেখা আঙ্কর।
लेक मोशा के बगल से जो है ड्राइव करते हुए निकल रहे हैं। कॉफी पीना हो गया है, वीडियोस जो है कुछ देर में अपलोड कर देंगे। अभी एक ऐसे ही जो है निकल पड़े, थोड़ा सा ड्राइव, देन बैक होम। दैट्स द प्लान। और आपको दिख भी रहा होगा कि लेक मोशा साइड में है। तो ये था आज का ट्रिप। कल का ट्रिप और भी अच्छा होने वाला है, और भी खास होने वाला है। और लेक के पास बैठ के पीना का अलग ही मजा है। तो बने रहिए, तरह रहिए कल भी हमारे साथ एक नई कहानी और एक नई सफर के साथ। फिर हम आपके समक्ष इंडियन ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। बाय।